झाबो कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा विकासखंड पैटलावत के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण किया गया। ग्राम उन्नई में देवेंद्र मेड़ा ने बताया कि उन्होंने पहली बार ड्रिप पद्धति से 10 बीघा जमीन पर कपास की फसल लगाई है, जिससे लगभग 70 क्विंटल का उत्पादन हो जाता है। इन्होंने बीटी काटन लगाया है, जिसमें कम कीड़े लगने की संभावना होती है। इस कपास को देवेंद्र पेटलावत में बेचेंगे। इसके बाद वे जनवरी में तरबूज की फसल लगाएंगे। देवेंद्र के बालक ने एग्रीकल्चर की डिग्री कंप्लीट की है, जिससे उन्हें कृषि में और सहायता मिलेगी। ग्राम मैकलिया कृषक पुनिया पाल द्वारा बताया गया कि कृषक एवं उनकी पत्नी के द्वारा मिलकर हल्दी, भिंडी, बैंगन, मक्का, कटहल, सोयाबीन एवं कपास की फसल लगाई है। इन फसलों में भिंडी की 50,000 से 70,000 तक की बिक्री हो जाती है। वे रसायन का उपयोग न करते हुए जैविक पद्धति के माध्यम से खेती करते हैं। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोया की रिपोर्ट। लगाया आपने? आपने सब लगी, भिंडी लगी रही, सोड़ी लगी रही, मक्का लगी रहा, कपा लगी रहा, सोयाबीन लगी रहा, सब लगाया। मैडम ये सुमा से हिसाब से सब लगा रखा उन्होंने। और घर में सब्जी लेते हो? नहीं, यहाँ से अपन घर से यूज हो जाती है। हाँ, वही तो, घर की यहीं से हो जाती है। मैडम हमने अभी हमारा प्रोजेक्ट था, प्रताप थी तोड़ ले जे ग्राम दे। हाँ, दो ही बात। अच्छा मैडम, हमने एक प्लान भी डाला था, हमने दाल का, हमने वैसा हम 18 क्विंटल दाल बेची हमने। हाँ, यही पे अपने घर से खींचा के, अपने हाथ से गट्टी के, और हमने दाल पूरे मार्केट में, हमने ये सब दीदी लोग ही करती हैं। हाँ दीदियाँ, उनका ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हमने थुअर खरीदा था। और कितने में बिका था? हम 100 रुपए किलो मैडम दिया था दाल। अच्छा। बना के साफ करके उनको देना था कम्प्लीट। इस बार भी करने का है? हाँ, इस साल हमने इसने अपने दूसरे वाले खेत में हमने कम से कम 20 किलो थुअर डाली है। अच्छा। बड़ी वाली 160 रुपए किलो के हिसाब से, 360 के हिसाब से। तो वो तो अभी जनवरी फरवरी तक ही आएगी। हाँ मैडम, वो अभी होली के दीपावली के बाद ही आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।